नो डाउट काम बढ़िया है उनका ओवरऑल देखा जाए तो। 40 आने का और 40 जाने का 80 रुपए एज ए टोल टैक्स देना पड़ेगा। तहसील में रह रहे लोगों का ये टोल टैक्स जो है वो 100% माफ होना चाहिए। मैं पावरफुल उसी को मानता हूँ जो कंस्ट्रक्टिव काम करे, अगर है पावर तो दिखाओ। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अपने वरिष्ठ नेताओं की क्यों नहीं सुनते। हजारों लोग साल में मरते हैं, लगभग 1000 लोग मरते हैं इस रोड में हर साल। जैसे खेतों में मेड़ बनी रहती है, यहाँ 10 मेड़ है उस तरह कि एक्सीडेंट होने के लिए 100% परफेक्ट जगह है। देख सकते हैं आप कितना नुकसान होता है। नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में और नितिन गडकरी जी के बहुत बढ़िया काम को मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो इस क्षेत्र में आने के बाद समझ में आता है कि जनता की उन्हें कितनी फिक्र है या वो कितना बढ़िया डेवलपमेंट वाला काम करते हैं या उनको कितनी जानकारी है किस एक्सीलेंसी के साथ में वो काम करते हैं। नो डाउट काम बढ़िया है उनका ओवरऑल देखा जाए तो, बट कई ऐसी जगहें हैं कि हाईवे की वजह से लोगों को परेशानी होती है। स्थानीय लोगों को अननेसेसरी टैक्स देना पड़ता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती, जिसमें से ये एक ऐसी जगह है। आगे है टोल गेट 1 किलोमीटर के अंदर और ये टोल गेट है जो त्योथर तहसील के बीचों बीच बना हुआ है। मतलब अगर एक तहसील के व्यक्ति को अपने ही तहसील में किसी गांव में किसी जगह जाना हुआ तो उसको लगभग 40 आने का और 40 जाने का 80 रुपए एज ए टोल टैक्स देना पड़ेगा, भले ही उसको 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी तय कर। बहुत शर्मनाक चीज है। या तो इस तहसील में रह रहे लोगों का ये टोल टैक्स जो है वो 100% माफ होना चाहिए अगर ये टोल टैक्स यहाँ पे बना हुआ है, और अगर माफ नहीं किया जाता तो ये टोल टैक्स यहाँ से हटा लिया जाना चाहिए। उसका रीजन ये है, पहली चीज तो ये टोल टैक्स बहुत खराब जगह में बना हुआ, खराब जगह में ऐसे बना है कि यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट हुए, टोल कर्मी भी बेचारे मारे गए हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस टोल टैक्स कंपनी इस टोल टैक्स को ऑपरेट करती है उसने उन लोगों के साथ में न्याय किया होगा। इस क्षेत्र के ही लोग इस टोल टैक्स में काम करते हैं और रोजगार पाते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं आई है कि डिजाइन में प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पे ट्रक अनियंत्रित होके टोल टैक्स कर्मियों के ऊपर चढ़ गए और एक बार तो 4 लोग इकट्ठे मर गए थे। क्या कहते हो शुभम? क्या ही कहें विजय, क्योंकि आपका जो भी पॉइंट है वो बिल्कुल वैलिड है। ये जब टोल टैक्स निर्मित हुआ था तो क्योंकि रीवा जाने के लिए आपको 2 टोल देना पड़ता है। आप जब तहसील की बात कर रहे थे, जिले की भी बात करूँ तो अगर रीवा जिले से किसी का कोई भी काम होना है तो उसको 2 बार टोल दे के जाना पड़ेगा। और फॉर सम रीजन अगर आपको यूपी इलाहाबाद जाना है या बॉर्डर पे तो उधर भी आपको एमपी का नंबर होने की वजह से आपको ज्यादा डबल पैसा दिया जाता है। एग्जैक्टली। और अगर आपकी गाड़ी पे फास्टैग नहीं लगा है तो उधर से डिमांड होती है 180 रुपए 190 रुपए कैश, जस्ट बिकॉज कि आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपकी मजबूरी का फायदा उठाए। चीजें हैं जो की आम जनता को झेलनी पड़ती है। तो बेसिकली अगर किसी व्यक्ति को पहली चीज तो तहसील में ही रहना है और इस टोल टैक्स को क्रॉस करना है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, नेशनल हाईवे है तो लोग नेशनल हाईवे ही यूज करेंगे, पहाड़ से ऊपर और नीचे का यही एकमात्र रास्ता है। और ये आरटीओ है जहाँ पे सबका डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, कितनी गाड़ियाँ ओवरलोड है, लोड है, कागज है, उनका परमिट है, किसी जैसा कि आप देख सकते हैं वो गाड़ी का येलो नंबर है जो ट्रेवलर खड़ी हुई है, कमर्शियल है, काफी परेशान भी किया जाएगा। अच्छा। हाँ, कि यूपी से है तो अदर स्टेट की गाड़ियों को परेशान भी किया जाता है, ये ऐसा कई बार मुझे पता चला है, जानकारी मिली है। कई एक बार तो मेरे ही पहचान के एक बारात थी अयोध्या से आ रही, तो उनको यहाँ परेशान किया गया, लड़की के पिता काफी रोए। अच्छा। रेस्टोरेंट वापस आए और हमने उनकी काफी मदद करने की कोशिश भी की और उनके साथ अपना एक रेस्टोरेंट का वर्कर भी भेजा था, तब जाके बातचीत हुई और फिर जाने दिया। ऐसा होता रहता है दुनिया। तो वही है हमारी जो मांग है सिस्टम से, सरकार में शासन प्रशासन से बैठे जो लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको कोशिश करके ये टोल टैक्स में त्योंथर के लोगों का, जिनका त्योंथर का आधार कार्ड है, उनका टोल टैक्स फ्री करना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो फिर आप त्योंथर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो करनी है, बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा तीर नहीं मारने हैं, कोशिश करनी है। जिला बाद में भी बन सकता है त्योंथर, पहले त्योंथर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो जरूरी है। जिला वाले मार्ग में अगर आप जाते हैं तो अगर सामने से एक कार, उधर से छोटी कार भी आ गई, डान भी आ गई, तो आप एसयूवी निकल नहीं सकती है। तो ये इतने दिन बाद तो एक तो वो रोड बनी। एग्जैक्टली। और अब बन गई है तो वहाँ पे उतना ही टाइम लग रहा है जितना पहले लगता था। रीजन बीइंग
कि ट्रैफिक हो गया है, पहले गड्ढे थे तो टाइम लगता था, ट्रैफिक हो गया। एग्जैक्ट। कई लोगों ने फेसबुक पे ये पोस्ट डाला था, जोधर के ही आदरणीय श्री सुशील मिश्रा जी ने भी इसके बारे में काफी पोस्ट डाले, कई बार डाले हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अपने वरिष्ठ नेताओं की क्यों नहीं सुनते, और जबकि वो कोई अनायास की बात नहीं कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित होके नहीं कर रहे हैं, वो जनता का दुख देखते हुए खुद भी दुख से ग्रसित हैं, क्योंकि वो खुद भी जाते हैं, समस्याएं देखते हैं और फिर लिखते हैं। कोई ध्यान ही नहीं देता ऐसी ऐसी बातों के लिए, बहुत शर्मनाक बात है। चलो अभी हम आ गए हैं शंकर जी के मंदिर में, ये अड़गड़नाथ मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर। देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने माता पिता, बुजुर्ग माता पिता को लेके आप यहाँ नहीं आ सकते। पीछे से रास्ता है, वो भी रास्ता घटिया है, जो कई सालों से ऐसा का ऐसा है, तो चार पहिया वाहन भी अंदर नहीं जाएंगे। बहुत फेमस मंदिर है, और मेरी तो बहुत इच्छा होती है यहाँ आने की, मम्मी पापा को लेके आने। टूरिज्म इसके लिए कुछ कर नहीं रहा, जबकि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे यूपी के लोग आते हैं और पूछते हैं वो मंदिर कितना दूर है, कैसे वहाँ पे जाना है। नहीं, टूरिज्म तो ठीक है, टूरिज्म करेगा, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जैसे अब जो यहाँ के सरपंच होंगे, मुझे नहीं पता कौन है, तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है अगर एक ग्राम पंचायत में आता है मंदिर, कि सड़क तो बनवा दें उधर पीछे से। और जंगल विभाग भी, मैंने सुना कभी जंगल विभाग भी परेशान किया कि नहीं हमारे उसमें है, सड़क नहीं बनने देंगे, ऐसा साधु बता रहे थे वहाँ के। तो जंगल विभाग भी एक तरफ देखता नहीं है कि कैसे लोग कब्जा कर रहे हैं, नए नए लोग, जंगल बच नहीं रहे हैं, तो वहाँ जंगल विभाग वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति है, लोगों की आस्था है, वहाँ सड़क देने के लिए भी इनको दुनिया भर का नाटक करना पड़ता है। और धन्य है नेता लोग जो दुनिया भर की बखान करते हैं कि हम मुख्यमंत्री के साथ में बैठ के चाय पिए, हम प्रधानमंत्री ने हमको माला पहनाई, या हमने प्रधानमंत्री को माला पहनाई। और अगर वाकई में इतने पावरफुल हैं, तो फिर अपनी पावर को इन सब चीज़ों के लिए क्यों यूज नहीं करते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे मन में हमेशा चलता है। मैं पावरफुल उसी को मानता हूं जो कंस्ट्रक्टिव काम करे। अगर है पावर तो दिखाओ कि मैंने अड़गड़नाथ में रोड बनवा दी अच्छी, मैंने यहाँ पे व्यवस्था करवा दी, मैंने वो राजापुर वाली पुल में, अभी समस्या तो है ना वहाँ उस रोड में, तो अब जब सबको पता चल गई, तो इतने पावरफुल लोग जो बताते हैं मेरी इतनी पावर है, ये है वो है, इसके साथ उठता हूँ बैठता हूँ, उनके लिए ये चैलेंज है कि उसको वो इमीडिएटली 10-15 दिन के अंदर उनको ठीक करवा देना चाहिए। पावर मेरे हिसाब से वर्चुअल पावर है, जो कि सिर्फ सोशल साइट्स पे दिखती है। नहीं तो फिर ये जनता को गुमराह क्यों करते हैं कि मेरी बहुत पावर है। आप ये देख सकते हैं कि बोर्ड लगा हुआ है, आगे खतरा। अब आप ये दिखाओ, यहाँ पे देश दुनिया से आए हजारों लोग साल में मरते हैं, लगभग 1000 लोग मरते हैं इस रोड में हर साल, ये रिकॉर्ड रहा है। और मैंने खुद सुना है कि जो पूर्व विधायक थे श्यामलाल द्विवेदी जी, उन्होंने कलेक्टर प्रतिभा पाल से मांग की थी कि ये रोड में कुछ करवाया जाए, यहाँ बहुत एक्सीडेंट होता है। और आप देख सकते हैं, एक तो एक्सीडेंट जोन है, और रोड देखो आप, मतलब धन्य है ये जो रोड के कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ठेकेदार हैं, और धन्य है वो लोग कलेक्टर और जो मंत्री विधायक ये सब लोग इस रोड से आते होंगे, जो इस रोड के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर इतनी पावर किसी के पास नहीं है, तो फिर और किस चीज़ के लिए पावर चाहिए। देखो देखो रोड कैसे ट्रक नहीं पलटेंगे, ये देखो गड्ढे हैं, और ऐसा है कि मतलब आप स्टीयरिंग अपनी कंट्रोल नहीं कर सकते, पलटना ही पलटना है। जैसे खेतों में मेड़ बनी रहती है, यहाँ 10 मेड़ है उस तरह की, अभी भी ट्रक पलटे हुए दिखाई देंगे आगे। कुछ एक हफ्ते पहले टैंकर पलट गया, वही लगने के चांसेस। तो देखो 5 दिन तक ब्लॉक था, ट्रैफिक था, बैरिकेड्स लगा के पुलिस वालों को रोकना पड़ रहा था गाड़ियों को, उसको खाली करने के लिए मशीन भी बिहार से आई, बताओ। तो हम लोग इतने पीछे हैं, पूरी रोड बंद थी। हाँ। नहीं, मैं ये सवाल पूछता हूँ, हमारी जो यहाँ इस क्षेत्र की कलेक्टर हैं प्रतिभा पाल, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती हैं, क्या उनको ये चीज दिखाई नहीं देती, क्या उनके पास ये डेटा नहीं है कि सुहागी के इस पहाड़ में कितने लोग मरे होंगे, कितने एक्सीडेंट होते हैं, देश का कितना नुकसान होता है, आप देख सकते हैं ये स्थिति है यहाँ। और यहाँ की रोड भी देख ले कि एक्सीडेंट होने के लिए 100% परफेक्ट जगह है, देख सकते हैं आप कितना नुकसान होता है। तो क्या ये लोग क्या समाज सेवा का ढोंग रचते हैं, क्या ये समाज सेवा करते हैं, मेरी समझ से परे है, बिल्कुल समझ से परे है। अब आप देखो रोड, ये मैं उसके कितने घटिया रोड है, यहाँ एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, बस बोर्ड छोटे छोटे लगे हैं जो पढ़ने में भी ना आए। तो IAS बन के ये सब करके अगर आपके पास इतनी, और 100% आपके पास इतनी ताकत है, भले ही नेताओं के पास इतनी ताकत ना हो, पर एक कलेक्टर के पास इतनी ताकत है कि इस तरह की चीज़ों को तुरंत दुरुस्त कर दिया जाए।
मेरे ख्याल से ये 1.5-2 साल से ये समस्या बनी हुई है यहाँ। और आप देख सकते हैं ये ट्रक जा रहा है और किस गति से जा रहा है, तब भी बड़ी संभावना है कि ये ट्रक पलट जाए। हम इसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करते हैं, पीछे भी हमारे ट्रक आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि साइड मिरर से दिखाने की कोशिश करो आशीष, पीछे से भी किस तरह से ट्रक आते हैं। और अब कुछ है जो तेज भी जाते हैं जबकि गिट्टी लदी हुई है, वही तो पलटते जाकर के। तो आप देख सकते हैं कि क्या हालत है और किस इंजीनियर ने ये डिजाइन किया है, जो नितिन गडकरी जी हमारे हैं, दुनिया भर के ग्रामर देते हैं, दुनिया भर की शाबाशी लेते हैं और ऐसे भाषण देते हैं कि लगता है कि इनका काम 100% एरर फ्री है। ये ट्रक आरटीओ को क्रॉस करके आ रहा है, मे बी ये ओवरलोडेड है या नहीं है ये तो हम नहीं बता पाए, लेकिन हालत देख के लग रहा है कि ट्रक ओवरलोडेड। तो मैं बात कर रहा था शुभम, नितिन गडकरी जी की बात कर रहा था कि बहुत ज्ञान देते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने समुद्र में रोड बना दी। ठीक है, हर जगह कर दिए, लेकिन ऐसी जगह जहां हर दिन एक एक्सीडेंट होता है और लगभग 1000 लोग साल भर में मरते हैं, आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आपको बता सके कि कौन सी जगह में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग घायल हो रहे हैं। तो धिक्कार है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। तो अभी घूमा कटरा औद्योगिक क्षेत्र से हम लोग वापस जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया, कार्य प्रगति पर है, थोड़ा स्लो जरूर है, और चूंकि अब विधानसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव हो चुका है तो ये भी नहीं कह सकते कि बहुत जल्दी दो साल एक साल में काम और ज़्यादा प्रगति में आएगा। बट फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि बेरोजगारी के इस दौर में ये औद्योगिक क्षेत्र कब बनकर तैयार होता है, क्योंकि इससे निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के युवाओं को ढेर सारे रोजगार मिलेंगे। अगर इंडस्ट्री ढंग से रन हो गई, बंदर बांट नहीं हुई, जमीन के जो प्लाट हैं उनके एलोकेशन में, तो डेफिनेटली नए रोजगार यहाँ पे बनेंगे इस क्षेत्र में और ढेर सारे रोजगार मिलेंगे भी युवाओं को, जो कि इस क्षेत्र की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और बात करने पर लोग भी यही बोलते हैं कि बेरोजगारी यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या है। तो इस वीडियो को देखने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं, सिस्टम में बैठे हैं, शासन प्रशासन में लोग हैं, भाषण देने से बढ़िया है कि आप लोग इस औद्योगिक क्षेत्र को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विकसित करें और अपने फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम से आप कोशिश करिए कि जब भी टेंथर विजिट करते हैं तो इस औद्योगिक क्षेत्र में आए और आप अपने ही पेज से, अपने सोशल अकाउंट से जनता को बताते रहे कि इस औद्योगिक क्षेत्र में अभी क्या काम चल रहा है, कौन सा काम कब कंप्लीट होगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। इससे आप युवाओं से भी कनेक्ट हो पाएंगे और क्षेत्र की जनता को भी पता रहेगा कि आप कितना सीरियस हैं युवाओं के रोजगार को लेकर या इस क्षेत्र के डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ों को लेकर। देखते रहें द खबरदार न्यूज़, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।